तो है गाइस, मैं फिर से आ गया आप लोग का कीमती टाइम वेस्ट करने। ये गर्मी में आप भी परेशान होंगे, आप भी सोच ही रहे होंगे कि अपने रूम में एसी लगाएं या फिर कूलर लगाएं, मतलब आप गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं। तो आप अगर एसी लेने की सोच रहे हैं और आप कन्फ्यूजन है, दो पॉइंट मेन होते हैं एसी लेने के लिए। आपका रूम का साइज क्या है, आप कितने टन का एसी लेंगे और कौन से कंपनी का लेंगे, जो कि आपके पैकेट पे या फिर आपके जो आपको जितना ज़रूरत है उतना वो काम कर सकती है कि नहीं, और कौन सा अच्छा होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन सा एसी लें, आपका रूम का साइज क्या है तो आप कौन सा कितने टन का एसी लें। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कि आपके रूम का साइज क्या है और आप कितने टन का एसी लगा सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपका रूम का साइज 100 स्क्वायर फीट है, 100 स्क्वायर फीट है, तो आप 0.8 टन, जो एक टन से कम आते हैं, आप उस एसी का प्रयोग कर सकते हैं। और आपका अगर रूम थोड़े से इससे बड़ी है, 150 स्क्वायर फीट के अंदर है, या फिर उससे 150 से 150 के बीच अगर स्क्वायर फीट है आपके रूम की, तो आप एक टन का एसी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके रूम को काफ़ी अच्छी ठंडी कर देगी। अगर आपका 150 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बड़ा रूम है, 250 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट आपका रूम अगर है, तो आपको 1.5 टन की आवश्यकता पड़ सकती है। ये 1.5 टन की एसी खैर ज़्यादा तो कारगर नहीं करेगी, क्योंकि वो रूम के डिपेंड करता है कि आपका रूम का फेसिंग क्या है, आपके दीवार पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है या आपके छत पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। तो आपको 250 स्क्वायर फीट के रूम में आपको 1.5 टन का एसी भी कम पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान सबसे पहले रखें कि आप अगर एसी लेने चाह रहे हैं तो आपका रूम का साइज क्या है। तो फिर भी नॉर्मली कि 250 स्क्वायर फीट का रूम अगर आपका है तो आप 1.5 टन का एसी ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी काम करेगी। उससे अगर बड़ी है, या फिर जो मैं सूरज का बात बताया आपको कि सनलाइट डायरेक्ट आ रहा है, तो आप फिर 1.5 टन से ऊपर 2 टन पे जा सकते हैं। और एक और है, अगर आपका रूम का साइज थोड़ी सी बड़ी है, जैसे मेरा रूम अभी एक देख रहे हैं, ये मेरा लगभग 260 स्क्वायर फीट का रूम है, तो इसमें मुझे 1.5 टन की एसी चल सकती है, पर कि मेरा सूरज डायरेक्ट दीवार पे पड़ता है जिस कारण से एसी बंद होती है, तो रूम बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। 400 स्क्वायर फीट के आपका अगर रूम है तो आप 2 टन का एसी यूज कर सकते हैं, और अगर 400 स्क्वायर फीट आपका रूम है तो आप 2 टो यूज कर सकते हैं, 1.5 टन का 2 एसी आप लगा सकते हैं। ऐसे 2 टन का एसी नॉर्मली आप लगाएंगे तो आपको ये काम कर जाएगी। तो ये थे 4 साइज जो मैं आपको बताया, 0.8 टन, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, और भी आते हैं 3 टन, 4 टन एसी आते हैं, लेकिन वो नॉर्मली होम यूज के लिए वो उतने कारगर साबित नहीं होते हैं। तो आप अपने रूम, आपका रूम अगर बड़ा है तो आप 2 एसी, 1.5 टन के 2 एसी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये कितने टन का एसी लें, कौन सा एसी लें ये भी थोड़ा बता दें। तो आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लिंक क्लिक किए हैं, तो आपको मैं निराश नहीं करूँगा। मैं आज आपको 5 ऐसे बेस्ट एसी बताने वाला हूँ, 5 कंपनी भी अलग रहेंगे और उनका एसी भी रहेगा, वो भी मैं आपको जो टॉप वन ऑफ द टॉप है वो मैं आपको बताऊंगा, प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर पे जो मैं एसी रखा हूँ वो है वोल्टाज का 1.5 टन का 3-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। ऐसे खैर अभी तो लगभग सारे एसी इन्वर्टर आ रहे हैं, किसी में डुअल इन्वर्टर, किसी में इन्वर्टर, सबकी अपनी अपनी तकनीक है। तो मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ वो है वोल्टाज का 1.5 टन का 3-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे पीसेस, ये 2023 का मॉडल मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, इसमें कुछ कुछ खास फीचर्स है। 4-in-1 एडजस्टेबल मोड दिया हुआ है, एंटी डस्ट फिल्टर दिया हुआ है, और 183 वोल्ट विक्टम प्रिज्म, 4 कूलिंग मोड बताया, वो आपके रूम के हिसाब से काफ़ी अच्छे अच्छे हो सकते हैं, और काफ़ी तरह तरह का इसमें आपको कूलिंग मोड दिया हुआ है। 1.5 टन का सूटेबल, आपका अगर रूम का साइज 111 से 150 स्क्वायर फीट है तो आप अपने रूम में 1.5 टन का ये एसी आराम से लगा सकते हैं। मैं आपको बताया अभी कि अगर आपका 250 स्क्वायर फीट का रूम है तो आप 1.5 टन का एसी यूज कर सकते हैं, अगर आपका रूम पैक्ड है या फिर किसी प्रकार का सनलाइट ना आ रहा है तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ये 3-स्टार रेटिंग है, इसमें आपको एनुअल एनर्जी कंजप्शन 4800 यूनिट, ISER जो सबसे मेन होता है एसी अगर आप लेने जाए तो इसका ये एक वैल्यू ज़रूर देखें, ISER वैल्यू 3.81। आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी, 10 साल का कंप्रेसर पे वारंटी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सारे जितना भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ऐसे साल में आपको
कॉपर कंडेंसर कोयल देखने को मिलेगा। फीचर्स इसमें दिया हुआ है, कुछ कुछ मैं मेन फीचर्स आपको बता दूं। मैं आपको लो नॉइस ऑपरेशन, इंस्टेंट कूलिंग, एंटी डस्ट, स्टेबलाइजर ऑपरेशन, अभी जितने भी एसी आ रहे हैं, आपका अगर रूम का वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट नहीं करता है तो आप इन सब को बिना स्टेबलाइजर का भी यूज कर सकते हैं। ये सब जितने भी आ रहे हैं सब स्टेबलाइजर फ्री आ रहे हैं। अभी 4-in-1 बताया, टर्बो कूलिंग में आपको बताया, स्लीप मोड में बताया, कॉपर कंडक्शन, ये सब जो भी मैं आपको आज पास एसी बताऊंगा सारे में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएंगे। हाई एम्बिएंट कूलिंग, जो उसका जो रोटरी होता है, जो अंदर की मोटर होती है, इसमें वोल्टेज में वो आपको ज़्यादा स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो ये थे वोल्टेज के। ये अगर आप परचेज करने जाएंगे, अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो ये आपको 1.5 टन का 3-स्टार इन्वर्टर वोल्टेज का जो एसी है, ये आपको 35,000 रुपये या 36,000 रुपये लगाने पड़ सकते हैं, जो कि मिड रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। तो ये थे इसके 5th नंबर पे मैंने रखा है वोल्टेज को। अब बात करते हैं 4th नंबर पे मैं जिसको रखा हूँ, वो है पैनासोनिक का 1.5 टन का 5-स्टार वाईफाई इन्वर्टर स्मार्ट स्प्लिट एसी। इसमें भी आपको वाईफाई, आप सुने तो वाईफाई के इसमें टेक्नोलॉजी दी हुई है, आप अपने ऐप के जरिए, मोबाइल के जरिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें भी आपको कॉपर कंडेंसर देखने को मिल सकता है। पैनासोनिक का जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको AI मोड भी देखने को मिल जाएगा, 4-वे स्विंग, एयर प्यूरीफायर फिल्टर भी देखने को मिल जाएगी। इसकी मॉडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये भी 2023 का मॉडल है, ये आपको लगभग 48,990। इसमें आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा महंगा, 10,000-12,000 सीधा एक्स्ट्रा। तो इसमें आपको वाईफाई देखने को मिल रही है, 7-in-1, इसमें आपको 7 तरह की एयर कूलिंग मोड दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। पैनासोनिक भी अच्छी अच्छी स्मार्ट एसी निकाल रहा है, बहुत सारे मोड दिए हुए हैं, आप रिमोट, इसका रिमोट भी काफ़ी फंक्शनल है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है ये एसी। आप पैनासोनिक की तरफ जा सकते हैं अगर आप एक अच्छी एसी खोज रहे हैं। तो ये मैं याद रखिएगा कि ये मैं 4th नंबर पर इस एसी को रखा हूँ। बात करते हैं अब तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर मैं रखा हूँ कैरियर का 1.5 टन का 5-स्टार AI फ्लेक्सिकल इन्वर्टर स्प्लिट एसी। आप सोच रहे होंगे AI, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है आप नहीं जानते हो तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप में उसमें आप जाके देख सकते हैं। अभी खैर AI काफ़ी चर्चित में है। इसमें भी आपको कॉपर देखने को मिलेगा, इसमें आपको 6-in-1 कूलिंग देखने को मिलेगा फंक्शन, डुअल फिल्ट्रेशन विथ HD, इसमें आपको HD जो जाली होती है AC की, जो इस अंदर इंडोर यूनिट की, उसमें आपको HD फिल्टर इसमें कहा है कंपनी ने। ऑटो क्लीनर, इसमें एक मोड है जिसमें आप AC के जो रोटरी अंदर फैन है उसको आप ऑटो क्लीनर कर सकते हैं, ये भी 2023 का मॉडल है। आप इसे अगर परचेज करना चाहेंगे तो कैरियर का है ये 40,999, आपको 41,000 रुपये लगाने पड़ सकते हैं। ये भी 1.5 टन का है। ये सारा AC जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब 1.5 टन का ही बता रहा हूँ, क्योंकि 1.5 टन का अमाउंट काफ़ी अच्छी यूज करने में होती है, 150 से लेकर 250 स्क्वायर फीट के हिसाब से रूम आपका है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फीचर्स मैं बता दूँ, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, 4 फैन स्पीड, हिडन डिस्प्ले, ड्राई ऑटो फॉलो फंक्शन, ऑटो ऑन ऑफ, स्लिप मोड, ऑटो रेस्टार, इंटेलिजेंट CRF अलर्ट, हाई ग्रोव कॉपर, ये कुछ कुछ इसमें विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं तीसरे नंबर पर रखा हूँ कैरियर का 1.5 टन का 5-स्टार AI फ्लेक्सिबल स्प्लिट AC, इसे आप 40,999 में परचेज कर सकते हैं। दूसरा नंबर की, तो दूसरे में सैमसंग का 1.5 टन का 5-स्टार वाईफाई इनेबल्ड AC रखा हूँ। ये सैमसंग कहती है विंड फ्री टेक्नोलॉजी इन्वर्टर स्प्लिट AC। इसमें भी आपको कॉपर देखने को मिलेंगे, कॉपर जो कॉइल जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे, 5-in-1 कूलिंग मोड इसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें एक नया फीचर सेट कर दिया है सैमसंग ने, एंटी बैक्टीरिया, 2023 का मॉडल है ये, एंटी बैक्टीरिया जो आपको अपने रूम के अंदर जो उसमें से हवा आएगी, जो ठंडी ठंडी हवा आएगी वो बैक्टीरिया मुक्त रहेगी, आपको उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके का कंपनी क्लेम करती है। खैर तो मैं अभी इसका यूज़ नहीं किया हूँ, मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ अभी LG का। तो ये आप अगर सैमसंग का लेना चाहते हैं, सैमसंग भी बाज़ार में काफ़ी अच्छी चल रही है दोस्तों, बहुत ही पुराना कंपनी है, सैमसंग का बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोग भी यूज़ करते होंगे, मैं भी करता हूँ, सैमसंग 1.5 टन 5-स्टार वाईफाई इनेबल AC। वाईफाई अगर आप समझ रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि आप अपने फ़ोन के जरिए, आप इंटरनेट के जरिए आप अपने उसको कमांड दे सकते हैं, एलेक्सा या गूगल, ओके गूगल के जरिए आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं। कुछ कुछ मैं इसमें खास फीचर्स में गर्मी देख सकते हैं आप, गर्मी मुझे भी लग रही है, गर्मी का खैर सीजन है तो गर्मी लग रही है। 5-in-1, 4-वे स्विंग, 3-स्टेप ऑटो क्लीन, इजी टू क्लीन फिल्टर, कॉपर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर, कोटेड कॉपर ट्यूब,
कुछ कुछ फीचर्स है इसमें जो आपको अट्रैक्ट कर सकती है। खैर अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो सैमसंग का ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे 5-in-1 फीचर्स है इसमें, डिजिटल इन्वर्टर है, ऑटो क्लीनिंग है, ना स्टेबलाइजर का भी इसको यूज कर सकते हैं। अभी खैर सारे जो जितने भी एसी निकल रहे हैं वो सब अभी डिजिटल इन्वर्टर ही निकल रहे हैं। इसमें भी आपको 10 साल की कंप्रेसर में वारंटी देखने को मिल जाएगी सैमसंग की तरफ से। बात करें इसके प्राइस की तो सैमसंग डेढ़ टन का 5-स्टार वाईफाई इनेबल एसी इसमें आपको 49,000 रुपये लगाने पड़ सकते हैं। आप चाहे ऑफलाइन ले ऑनलाइन ले 1-2 हज़ार का रेट अंतर हो सकता है। खैर आप अगर इसे मैं दो नंबर पे एसी रखा हूँ, सारे एसी अच्छे हैं बल्कि कुछ कुछ फीचर्स होते हैं जो कि ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ भरोसा भी होता है किसी चीज़ पे, तो ये सैमसंग को मैं दो नंबर पे रखा हूँ दोस्तों। हम लोग बात करते हैं नंबर एक की, जो काफ़ी अच्छा एसी मेरे तरफ से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, वो है एलजी का 1.5 टन का 5-स्टार एआई प्लस डुअल इन्वर्टर एसी। सारे एसी में आपको इन्वर्टर देखने को मिले थे, इसमें आपको डुअल इन्वर्टर देखने को मिलेगी। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो आप एक नॉर्मल एसी में खोजते हो या फिर आप एडवांस भी खोजते हो। एआई प्लस डुअल इन्वर्टर, वाईफाई स्प्लिट कॉपर, इसमें भी आपको कॉपर 6-in-1 कूलिंग मोड दिया हुआ है। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स है यूवी नैनो एचडी फिल्टर, यूवी नैनो जो उसकी जो एयर जो रे आएगी उसमें आपको यूवी नैनो प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। एचडी फिल्टर विथ एंटीवायरस प्रोटेक्शन, ये काफ़ी नए नए एलजी अपना निकाला है, 2023 का मॉडल है। अगर आप इसे लेने जाएंगे तो ये आपको बाज़ार में 50,990, ऑनलाइन में भी आप इसे ले सकते हैं, इसमें दाम ऊपर नीचे हो सकते हैं कोई कोई साइट पर। इसके मैं कुछ खास खास फीचर्स में अगर आपको बता दूं तो इसमें आपको एआई प्लस 6-in-1 कूलिंग मोड देखने को मिलेगी, यूवी नैनो देखने को मिलेगी। इसमें थिंक क्यू वाईफाई, आप अपने मोबाइल के जरिए थिंक क्यू के जरिए आप इसे डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और इसका आप ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं अगर बाहर है, रूम के बाहर हैं तो आप अपने वाईफाई के जरिए एसी को ऑन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे आने से पहले रूम चिल हो जाए तो आप इसे ऑनलाइन चालू करके रख सकते हैं। इसमें एक म्यूट का बटन भी दिया हुआ है। इसकी जो रिमोट है वो मुझे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है क्योंकि मैं एलजी का ही एसी यूज कर रहा हूँ तो मुझे ये काफ़ी पसंद है। और मैं फ़िलहाल अभी एक और लेने वाला हूँ, ये जो मैं आपको मोड बता रहा हूँ एआई प्लस, ये मैं अभी लेने वाला हूँ। ये आपको 50,000 में, आपको थोड़ा सा कॉस्टली है दोस्तों, 54,000 लगाने पड़ सकते हैं। इसमें तीन मोड है, एक आपको एआई देखने को मिलेगी डुअल इन्वर्टर, एक आपको एआई प्लस देखने को मिलेगा डुअल इन्वर्टर, एक आपको एआई प्लस यूवी नैनो प्रोटेक्शन देखने को। ये एलजी का अभी जो 2023 में अभी काफ़ी चर्चित में है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, मैं बता दूं आपको, थिंक क्यू कनेक्टिविटी, वाईफाई, फोर वेज एयर स्विंग, एडीसी सेंसर फीचर्स, एचडी फिल्टर विथ एंटीवायरस प्रोटेक्शन। इसमें आपको एक विराट मोड देखने को मिला है जो कि आप विराट मोड अगर ऑन करते हैं तो आपके रूम को ये तुरंत जल्द ही ठंडी कर देगी। ये है 1.5 टन का आई ग्रुप्ड कॉपर ऑटो क्लीन R32 रेफ्रिजरेंट ओशियन ब्लैक फिन, 100% कॉपर ट्यूब विथ ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन के साथ ये आती है। इसमें आपको लो गैस, अगर आपका एसी में कंप्रेसर में अगर गैस लो हो गई है तो इसमें आपको वो इंडिकेट कर देगा। इसमें अंडर डिस्प्ले आती है, आप डिस्प्ले ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, डिस्प्ले आपको नज़र नहीं आएगी। स्टेबलाइजर फ्री प्लस, इसमें आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस एसी को चलाने के लिए। खैर मैं चलाता हूँ तो मुझे स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो मैं आपको अभी 5 एसी बताया, मैं बताया एलजी का, सैमसंग का, कैरियर का, पैनासोनिक का, वोल्टास का, तो ये 5ों एसी अच्छे हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा अच्छा है वो है एलजी का। एलजी में भी आपको जो वोल्टास में देखने को मिल रही है वो आपको एलजी में भी देखने को मिल जाएगी। आप अपने पैकेट के हिसाब से ले सकते हैं। कैसा लगा मेरा ये जानकारी मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।